दो वेक्टर्स को हमें कैसे ऐड करेंगे दो वेक्टर्स को ऐड करने की हमने आपको रूल्स बता दिए ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बता दिया पेलोलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बता दिया और पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन बता दिया अब दो वेक्टर के एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है सी वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो किस डायरेक्शन में होगा हमें अब ये पता करना है तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमें देखना है कि वेन वी एड द टू वैक्टर्स जब हम कभी दो वैक्टर्स को एड करेंगे देन द मैग्नीट्यूड और रिजल्ट विल बी हाउ मच रिजल्टेंट वैक्टर जो सी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एंड इन विच डायरेक्शन द दैक्टर सी इज किस डायरेक्शन में वैक्टर सी होगा तो फर्स्ट मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ दिस इज द कंसेप्ट एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स दो वैक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है सबसे पहले मैं यह कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ आपके पास क्या कंसेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन ठीक है इफ वन से आपको कोई ये कह दे कि दो लाइन बनाई थर्टी डिग्री के एंगल पर then what you have to do? क्या करते हो आप ठीक है लाइन ए बी आप एक ए बी लाइन बनाते हो ठीक है विद इन पुट ए डी लोअर क्लासेज में क्या करते थे एक डी पुट करते थे विद इन पुट एट डी एट ए पॉइंट बी एंड मार्क ए पॉइंट सी एट 30 डिग्री ठीक है आफ्टर दैट वी रिमूव द डी फ्रॉम देअ एंड जॉइन द पॉइंट बी एंड सी बाय ए लाइन दैट इज बीसी लाइन देन द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज 30 डिग्री ठीक सिमिलरली इसी तरह क्या कहे इफ वन से कि ड्रॉ The two line at an angle of 135 degree, 135 degree. Then the same procedure is applied. Then the angle between AB and BC is 135 degree. You can make this angle with 135 degree with the help of D. Or in higher classes, we replace this D by a compass. बट द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन रिमेन सेम द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन रिमेन सेम ऐसे ही दो लाइन के बीच के हम एंगल डिटरमाइन कर लेते हैं वी ऑल्सो नो दैट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स विच आर इन वन डायरेक्शन एलोंग वन लाइन मीन्स क्या हो गया वी ऑल्सो नो दैट द एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज वन एटी डिग्री ठीक है आपने क्या किया एक स्ट्रेट लाइन ले ली ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन उसी के लाइन में आपने एक दूसरी लाइन और बी सी ले ली और यू से दैटी स्ट्रेट लाइन एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन देन द एंगल एट पॉइंट बी इज वन एटी डिग्री ठीक है देन ए बी एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी इज वन एटी डिग्री स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना बन रहा है वन एट्टी डिग्री वन एटी डिग्री एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ठीक है ये जीरो डिग्री नहीं है जनरली लोग क्या कह देते हैं कि दिस इज जीरो डिग्री जीरो डिग्री नहीं है तो दिस इज तो द क्या कहा दिस कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन टीच टू यू फ्रॉम क्लास फिफ्थ टू सिक्स पांचवी छठी क्लास से आप इनको पढ़ाते रहते हो कि दो लाइन्स के बीच में एंगल कितना होगा आइदर यू यूज द डी और यू यूज द कंपास बट द कंसेप्ट बिटवीन द एंगल बिटवीन टू लाइन्स सेम ठीक तो ये तो हो गया दो लाइंस के बीच के का एंगल हम कैसे पता करेंगे और क्या करेंगे नाउ लेट वी डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दो वेक्टर्स के बीच में आपको क्या करना है एंगल डिटरमाइन करना है कब वेन यू एड द टू वेक्टर्स जब आप दोनों वेक्टर्स को एड कर रहे होते हो उस समय उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है ठीक है क्या दिखा दिया अपने पास द फॉलोइंग डायग्राम वैक्टर बी इज एडेड इन वैक्टर ए वैक्टर बी को हमने वेक्टर ए में एड किया है अब मैं आपसे पूछता हूं ठीक है एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड बी इज हाउ मच नाउ इफ वन आस्ट टू यू दैट द एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड बी इज एक और ऑप्टल मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल है वो ग्रेटर देन नाइनटी डिग्री है और लेस देन नाइनटी डिग्री है ठीक है? ये पूछा जाता है आपसे और आपको क्या बना दिया गया हमने एक डायग्राम बनाया ए और बी के बीच में हमने एंगल बना दिया एक एंगल हमने अल्फा बनाया एक वेक्टर हमने एंगल बीटा बनाया और इन जनरली वी हम बच्चों से पूछते हैं कि बताइए कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज हाउ मच इन जनरल ज्यादातर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एल्फा ठीक है क्या कहा जाता है कि ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल क्या है अल्फा इन जनरल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से अल्फा इज द एंसर बट दिस इज़ रॉन्ग आंसर गलत है द करेक्ट आंसर इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज बीटा अब पूछते सर वाइट सो ऐसा क्यों जबकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को तो आप बीटा बता रहे हो और ऐसे ही दो लाइन बनी हुई है ए बी और बी सी उनके बीच में आप एंगल अल्फा बता रहे हो वाई इट्स सो ऐसा क्यों ठीक है आई बात समझ में मैं इस चीज को आपको क्लियर करूंगा क्या कहा आपने पास कि दो लाइन के केस में आपने दोनों के बीच में एंगल अल्फा लिया था और वेक्टर्स के केस में आपने एंगल बीटा लिया ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वाई द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज बीटा ठीक है तो सुनो इसके लिए मैं क्या लेता हूं एक एग्जाम्पल लेता हूं ठीक है कैसा एग्जाम्पल है आपको आपने देखा अपने पास कि एक मोटरसाइकिल वाला एक स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रहा है चलते चलते वो कोई किसी पॉइंट पी पर पहुंचा पी पर पहुंचने के बाद में उसने फोन लगाया कि सर मुझे किधर जाना है उसने फ़ोन लगाया मुझे किधर जाना है मैंने कहा किधर ही ना जाना आपको एकदम सीधे जाना है एकदम सीधे जाना है इसका मतलब क्या उसने कोई टर्न लिया नहीं एक सीधे गया तो उसके उस पॉइंट पी पर आने वाली डायरेक्शन और उस पी पॉइंट से जाने वाली डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूं कि एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन हाउ वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन एंड हाउ वी डिफाइन द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन ठीक है आपने पी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में इंस्ट्रक्शन मिली कि आपको कहीं नहीं मुड़ना है कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आप सीधे जाना है स्टेट स्टेट पाथ पर जाना है तो आपने क्या देखा यदि उस अपने सर्कल के ऊपर पाथ नंबर वन पाथ नंबर टू पाथ नंबर थ्री पाथ नंबर फोर पाथ नंबर फाइव इस तरह से पाथ बने हुए हैं तो आपको सीधे जाने के लिए पाथ नंबर फोर पर जाएंगे आप ठीक है फिर एक दिन हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप पॉइंट पी पर पहुंच गए बोले हाँ बोले सर अब आप, आप क्या कीजिए राइट टर्न लीजिए राइट टर्न लीजिए कितने एंगल से हमसे पूछा गया उन्होंने पूछा कि सर कितने एंगल से लूँ लेस देन नाइन्टी डिग्री और ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री कि इफ यू टेक अ टर्न लेस देन नाइन्टी डिग्री देन देन टू मूव अलोंग पाथ फाइव पाथ नंबर पांच पर आपको चलना पड़ेगा then, the, एंगल ऑफ डेविएस जिस एंगल से आप डेवीए हो रहे हैं आपको नाइन्टी डिग्री से ज्यादा एंगल वाले रास्ते पर मुड़ना है देन दाथ विल बी दाथ नंबर सेवन आपको सेवन नंबर पाथ पर मुड़ेंगे टू मूव ऑन पाथ सेवन सेवन नंबर पाथ पर मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू टेक ए टर्न ग्रेटर देन 90 डिग्री आपको 90 डिग्री से ज्यादा का टर्न लेना पड़ेगा टुवर्ड्स ए राइट सिमिलरली यदि आप पॉइंट पी पर पहुंचकर इफ यू वांट टू टेक अ टर्न ऑन लेफ्ट साइड विद वाट एंगल हमने कहा 45 डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री के एंगल पर देन दिस 45 फाइव angle is made by the object's motion from its initial motion at 45 degree angle. मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? Instead of moving on path four, you have to move on path third. Path third and path fourth have an angle of 45 degree. आप एक तो सीधे जाएं और एक वहाँ से अपने पास किधर left turn करें. कितने एंगल से 45 डिग्री से तो दिस 45 डिग्री एंगल देखो कहां से मेजर किया जा रहा है ठीक है इसी तरह आपको कोई कह दे कि नहीं आप तो एक काम करो अपने पास पर पॉइंट पहुंचे हाँ बला टेक 180 डिग्री टर्न ऑलमोस्ट वन डिग्री का टर्न लेकर फिर उस रास्ते में जाए पाथ इज ए पाथ नंबर सेकेंड देट इज ऑलमोस्ट वन डिग्री आप ऑलमोस्ट क्या कर लिए बैक टर्न ले लिए आप वहां से गए अपने पास और ऑलमोस्ट वहां पास पर ऑलमोस्ट रिटर्न हो गए तो इसके लिए यदि मैं पाथ एक से जा रहे हैं और आपको पाथ टू पर दो पर जाना है देन फ्रॉम व्हाट एंगल यू हैव टू टेक ए टर्न डेफिनेटली दैट एंगल इज ऑलमोस्ट वन एटी डिग्री तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन ए पाथ वन एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन ए पाथ टू हैव एन एंगल ऑफ ऑलमोस्ट वन डिग्री जबकि देखिएगा यदि यही पाथ नंबर वन और पाथ नंबर टू आपकी डायरेक्शन का एंगल नहीं लेते और हम क्या लेते हैं ये दो लाइन बनाए हम तो इन दैट केस पाथ नंबर वन की एक लाइन पाथ नंबर टू की एक लाइन देन द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज ऑलमोस्ट जीरो डिग्री उस केस में ऑलमोस्ट जीरो डिग्री होता है इसी तरह मैंने पाथ वन की एक लाइन बनाऊ एंड पाथ फोर की एक लाइन बनाऊ तो आप क्या कहोगे अपने पास द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज वन एटी डिग्री वेर इज इफ यू आर मूविंग ऑन एन ए पाथ वन एंड ऑर यू आर मूविंग ऑन ए पार्थ फोर देन यू आर मूविंग ऑन ए सेम डायरेक्शन देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन सो द डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन इफ यू आर मूविंग ऑन ए पाथ वन एंड ऑर यू आर मूविंग ऑन ए पार्थ फोर दीज आर सेम डायरेक्शन ये दोनों सेम डायरेक्शन है यदि डायरेक्शन के बीच में एंगल पूछूं तो एंगल इज जीरो डिग्री बिकॉज यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और यदि मैं लाइन के बीच में पूछूं पाथ वन की एक लाइन बनाऊं अप टू पी पी से पाथ फोर की एक दूसरी लाइन बनाऊं तो उन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बताओगे तो बच्चों लाइन के बीच में आप एंगल बताते हो वन एट्टी डिग्री जबकि दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है जीरो डिग्री तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो अभी तक आप क्या करते आए हो अप टू टेंथ आपने जो भी एंगल निकाला है वो हरदम दो लाइंस के बीच में निकाला है द कंसेप्ट वेक्टर इज फर्स्ट टाइम इलेवेंटर विथ सच ए कंसेप्ट आपका इस से पहली बार आपका आमना सामना हो रहा है इसलिए आपके आंसर गलत होते हैं कि हमने पूछा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल एक्यूट एंगल होगा या ऑप्टिक्स आपने लाइन वाला कंसेप्ट लगाते हुए तुरंत कहा कि ऑप्टिव एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेयर इज द करेक्ट आंसर इज बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्लियर हुई बात तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन डायरेक्शन